Hey, hi, welcome to FSA Entertainment. I'm at MD Goat Farm with the owner Mohammad Bhai. Assalamualaikum Mohammad Bhai. Walaikum Salaam Fahad Bhai. MD Goat Farm kahan par located hai Mohammad Bhai? ये अपना पड़गा टोल से एक 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर बोल सकते हो, दिनकर पाड़ा गांव. दिनकर पाड़ा आप डाल करण ज्योति दिनकर पाड़ा. ओके, यस. एंड क्या है आपके फार्म का कॉन्सेप्ट? पलाई और ट्रेडिंग? पलाई और ट्रेडिंग दोनों है फाद भाई. और कितने एरिया में है अपना फार्म? एक एकड़. ओके, एंड कितने बकरे अकोमोडेट कर सकता है? 400. 400? Yes. और है कितने अभी फिलहाल? 350. यस, ऑलमोस्ट फुल है जगह. फुल है, फुल. तो और पलाई के लिए जगह है क्या? नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर के लिए. नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट सीजन? नेक्स्ट सीजन के लिए. नेक्स्ट सीजन होगी? यस फादर. ठीक है. इज दिस योर ओन प्रॉपर्टी और रेंटेड वन? रेंटेड है. रेंटेड वन. बट यू गोना बी हियर नाउ फॉर 10 इयर्स? 10 इयर्स, माशाल्लाह. ठीक है, चलिए एंटर करते हैं आपका फार्म. गेट खोलिए ज़ाकिर भाई. थैंक यू सो मच. सो दिस इज योर फार्म. यस मोहम्मद भाई. लोकेशन कैसा फार्म भाई? खूबसूरत है. खूबसूरत है, लेकिन ठंड और एंड ठंडी लगती है फाद भाई. गर्मी तो एंड लगती है. और बारिश का मैं एक बात बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने जगह में कहीं पानी भरता नहीं है फाद भाई. ये एक अच्छा चीज़ है. माउंटेन? हाँ, माउंटेन है, थोड़ा हाइट पर है. और जब कस्टमर्स आते हैं फैमिली के साथ में इंजॉय करते हैं फाद भाई. यहाँ पर आई रिमेम्बर व्हेन द फर्स्ट टाइम वी केम इन, एक ये वाला बाड़ा था सामने, एक ये रूम था और एक वो वाला था. हाँ, और एक वो लास्ट मेरे ख्याल से ये बन रहा था. और हाँ, वो जो दरवाज़ा खुला है ना, ये जो जूम करके बता रहा हूँ मैं अभी कैमरे हाँ, पे वहाँ पर ऑलरेडी कोई फार्म था, गोट फार्म पहले. हाँ, पहले था, है ना. ऑलरेडी केजेस केजेस थे. और यहाँ पूरे वो आप मूली तोड़कर खाए थे यहाँ पर? नहीं, मूली तोड़ के मुझे किसी ने दिया था. नहीं, तोड़कर खाए थे. बात तो मोहम्मद भाई, मूली धोने गया था मैं. यस, रिमेम्बर. यस, आई थिंक ऑर्गेनिक था पूरा सा. पूरा ऑर्गेनिक था, यानी काफी लास्ट टाइम पे जैसा बोल सकते हो आप, गवार और मूली. मुझे याद है उमर भाई मिला था, अरे मैं जा रहा हूँ. ताज़े एकदम ताज़े भाजी. ताज़ी भाजी. अभी काफ़ी यहाँ मिर्ची उर्ची का खेत चालू है. हाँ, ये साइड और दोनों साइड पे. और लेकिन पूरा बाड़ा बन गया, तभी उनके पास जगह ही नहीं बची. ये वीडियो में हम पूरा टूर कराएंगे, टूर करवाएंगे, क्योंकि कई लोग हैं जिनके बकरे शो में नहीं आ सके. नहीं आ सके, हमारे बकरे की झलक बता दो. झलक बता दो, इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करते फाद भाई. मोहम्मद भाई. यस फाद भाई. यू हैव चेंज्ड द लोगो बट यू हैव केप्ट द कलर सीक्वेंस. हाँ, है ना, रेड एंड ये कलर बहुत पसंद है. अच्छा, खूबसूरत, बहुत पसंद है. कलर पर बहुत खर्चा हुआ है फाद भाई. लोगों मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो जो बुल या बकरा बना हुआ है वो भी चेंज हुआ है क्या? वो उतना ही, वो पहले जैसा ही है? नहीं, पहले जैसी है वो पहले ही जैसा. हाँ, हल नीचे चेंज हो गया. यस यस. वैल्यू? नहीं नहीं, वो चेंज हुआ. ये ऊपर वाला हेड भी चेंज? वो पहले जो सींग थी वो ऊपर के साइड ही आ रही थी, यानी वो ग्राउंडेड है. अभी ग्राउंडेड है, यानी ग्राउंड पे रहता है. ऐसा सीन, जमीन से जुड़े हुए. ठीक है, दिस इज योर पर्सनल रूम. एसी वेसी लगा हुआ है? एसी वेसी लगा, फुल कूलिंग है, बट नॉट फॉर कस्टमर्स. नहीं, कस्टमर के लिए नहीं फाद भाई. यस, नोबडी कैन स्टे ओवरनाइट, राइट? नहीं नहीं, ओवरनाइट. व्हाट इज द विजिटिंग टाइम? 10 to 10. बकरों के लिए उतना बेस्ट है 10 to 10. हाँ, क्योंकि उतने टाइम तक हम लोग बकरे निकाल सकते हैं. किसी ने कमेंट किया, भाई आप कभी भी जा सकते हो 24 घंटे. भाई 24 घंटे नहीं भाई, बकरे भी, बकरों को रात में नहीं निकाल सकते. स्टाफ को भी रेस्ट चाहिए. यू जस्ट कैन नॉट वॉक इन एनी टाइम. यस यस, डिसिप्लिन रहना चाहिए. सो 10 to 10 आप आइए. 10 to 10 आइए, बेस्ट रहेगा. बकरे निकाल के हम लोग दिखा सकते हैं आप लोगों को. स्टाफ भी दिन भर थका हुआ रहता है, वो टाइम पे हम लोग नहीं दिखा सकते. ये हमारा सफदर बाड़ा. मोहम्मद भाई ने एक काम किया है कि यहाँ पर पूरा एक स्टाफ को असाइन किया है कि एक बाड़ा. मोहम्मद भाई, कैन यू स्टैंड इन मिडल, एक कवर फोटो ले लूँ आपका, बीच में आप खड़े. ये बाल्टी हटा लो. नहीं, दस ओके, नहीं आएगी वो. देख, देखिए आप भी देखिए इधर. ठीक मोहम्मद भाई, Yes, एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे थोड़ा कूल लग रहा है बाहर के मुकाबले. हाँ, ऊपर स्प्रिंगल्स भी लगा हुआ है गर्मी के टाइम पे, यानी वो भी. और ये प्लाई जो लगाया हूँ, जस्ट लगाया हूँ. ये तो अभी लगाया हूँ आपने? हाँ, अभी लगाया हूँ. पहले क्या खुला हुआ करता था? क्या जाली थी सिर्फ खाली? सिर्फ ये नीचे का ही सिस्टम था, थोड़ा सिंक को और बचाने की कोशिश. सिंह सिर्फ कोशिश कर सकते हैं फाद भाई. मौजा अंडुल बकरों की कोटा तो यानी आप पकड़ के रखो, आपके नसीब के ऊपर है. नसीब के ऊपर है. देखा हूँ खूटे पे भी टूटती है. टूटती है. गांव में भी देखा हूँ खूटे पे बंधे हुए. मेरे खुद के कई बकरों के टूटे फाद भाई. हम लोग काफी, हाँ काफी मेहनत की है, लेकिन वो हॉर्स पाइप डालो, आप कुछ भी डाल दो उसमें, लेकिन वो एग्रेशन. और एक टाइम आएगा कि वो, और काफी सिंह नरम रहकर भी, यानी बोलते ना नाजुक रहकर भी, आज तक बची हुई है. मोहम्मद, ये जो बाड़ा है अपना, ये कितने केजेस है अकोमोडेट कर? ये 30 केजेस है अभी, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने सोचा है फाद भाई कि इसमें जो बकरे रहेंगे ये बाड़ा बंद रहेगा फाद भाई. क्यों ऐसा?
नजर लगती है फात भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रख सकते हो पलाई पे। क्यों रहेगा बाकी के बाड़े बंद क्यों नहीं रहेंगे और यही क्यों रहेगा? सिर्फ ये रहेगा भाई। क्या वजह है लोग पूछेंगे? कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट था कि उनके बकरे शो ना हो, यानी शो से पहले, यानी किसी चैनल पे आने से पहले या नेक्स्ट ईयर तक शो ना हो, नजर लगती है फात भाई। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस बाड़े को थोड़ा ऐसा रखेंगे कि बंद रखेंगे। तो नो नजर बाड़ा है? हाँ, नो नजर बाड़ा। नजर बाड़ा नया नाम दे दिया फात भाई ने। ठीक है, सफदर भाई का बाड़ा है। सफदर भाई इज डूइंग सुपरविजन, सुपरविजन से लेके ऑल। ठीक है, यहाँ पर एक कस्टमर का चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे ये नहीं बेचा हुआ है फात भाई। हाँ, ये लिया हुआ है, फर्स्ट शो में था, फर्स्ट शो में था चुलबुल पांडे। सबके नाम मुझे याद नहीं रहेंगे फात भाई, फिर भी अपने याद रहेगा आपको। हाँ, ये नाम याद है, मैंने उनका नाम ही है ना चुलबुल पांडे नाम से सेव किया। कोई बात नहीं, ये आई थिंक ये भी शो में था। ये व्हाट इज दिस? दिस इज नहीं नहीं, ये नहीं था, इसका भाई था वो। इसका भाई इसका भाई था। ये भी बड़ा पड़ रहा है मतलब भाई, 100 किलो है ये। हाँ, 100 प्लस बैठा है तो समझ में नहीं आ रहा। इट्स ए ह्यूज गोट। सूरमा सुरमा का स्लो मोशन जब वो चल के आ रहा है, कान हिल रहे हैं। यस, व्हाट अ ब्यूटी दिस इज। मेरे को रिग्रेट किया, आई रिग्रेट गिविंग हिम लेसर स्कोर कंपेयर टू अ फ्यू अदर्स। जब मैंने बाद में वीडियो देखा, आई वाज लाइक फ्रीक यार, ये डिजर्विंग है। हमारे जो बोलना चाहूंगा, हमें जज सही नहीं मिले थे। उमर ने भी पास निकाला था भाई। अच्छा, हाँ, लास्ट मोमेंट पे ना। हाँ, इमरान भाई का सब। बट एक्चुअली क्या है, कुछ बकरे को इतने कम स्कोर थे कि हम अगर 100 भी देते ना तो भी कम पड़ जाते, कम पड़ जाते, कम पड़ जाते। बकरा बहुत अच्छा है। यस, सिंह तोड़ा है लेकिन। हाँ, सिंह क्रैक किया हुआ। तो ये टिकेगा कि ये भी कुर्बानी के लिए जाएगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए। यस, सुरमा इज गोइंग। देखो, इस ऐसे भी हो जाता है ना, अभी लोग बोलते हैं कि कई कई आठ दांत के बकरे रहते हैं ना। हाँ, तो फ्रेश भी आठ दांत के तो भी घसे हुए रहेंगे, इस वजह से भी घसते। हाँ, लोकन चबा चबा, लोकन चबाते। लोगों को लगता है बहुत बड़ी उम्र का है, लेकिन उतने बड़ी उम्र का सब लोकन चबा। ठीक है, चैंपियन खली, चैंपियन खली, माशाल्लाह, वी हैव सीन दिस। ये सेकंड रनर अप हंक, हंक ये उसका पहले वाले शो का हंक बना है लगता, पहले से अच्छा बन गया है माशाल्लाह। मोती यस, ये तो नेक्स्ट ईयर के सब दो दांत का बच्चा है भाई, माशाल्लाह। ये बकरा नहीं निकाले थे क्या हमने इतना अच्छा? नहीं, पुष्पा ये नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर तो रहना चाहिए फात भाई, अभी है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, माशाल्लाह। नाम क्या है इसका? ये फॉर सेल है, ये बिक्री के लिए। यस, क्या डिटेल्स है बकरे की? अराउंड 80 केजीज है। कितने दांत होगा? दांत 6, ये सातवा लगाया है। कितना मांग रहे हैं इसका? 48,000 अल्लाह लिखा हुआ है ना फात भाई। ये लेकिन बेचना नहीं है? नहीं, बेचना नहीं है। ये मुझे पता है इसके बारे में बहुत खूबसूरत। और ये सस्ते में कुछ 15 लाख नहीं है फात भाई, ये हमारे अल्लाह आपा, मैंने नाम ही दिया अल्लाह आपा, उन्होंने सेल किया था कुछ 70 या 75 के। अच्छा, एक लेडी ने सेल किया? यस फात भाई। ओके, तो वो जो कॉल आते हैं, सॉरी, 70-75 में, 1000। हाँ, और लोग देखो, आपने वो स्क्रीनशॉट भेजे, बोला ना मैं 15, आपने वो स्क्रीनशॉट भेजे, कितना मांग रहा था? 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख आस्किंग है, 15 लाख लग चुके हैं। क्या, इसीलिए मैं 15 में बेच सकता हूँ ना फात भाई, अल्लाह लिखा, और इसमें काफी प्रोमिनेंट है। अच्छा फात भाई, पहले बिकते थे ना देवनार में ऐसे बकरे? अभी भी आते हैं, अभी देवनार खुलने बिकते थे क्या? आते हैं? नहीं, आते थे, वीडियो में बिकते नहीं थे। मैंने एक लेडी को देखा था जो 70 लाख का मांग रही थी। हाँ, वो बेचारी लास्ट तक के बदायूं से आई थी, वो बदायूं शरीफ या कहीं से, वो लास्ट तक के खड़ी थी, उसका बकरा नहीं बिका, बेचारी लिखेगी दोबारा। उसको किसी ने डाल दिया था दिमाग में कि आप बम्बई जाओ देवनार मंडी में, आपका बकरा अच्छे से अच्छे दाम में बिकेगा, कि उस पर अल्लाह लिखा है। जो हमारी वीडियो देख रहा है गांव में, मैं उनको बता दूं, अगर आपके किसी के सुनने पे भी देवनार आते हो, आपके ऐसे बकरे वो दाम में नहीं बिके, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। आज भी मेरे को कॉल आया, कल भी आया हुआ था, उस बंदे ने मुझे बोला, वो स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी बात कर रहा हूँ, उसका आस्किंग 1 CR था फात भाई, मैं आगे से कुछ आंसर कर ही नहीं पाया। क्या बोलोगे आप आगे? अब वो उसने ये बोला कि मुझे वो बकरे बेचकर मैं मदरसे में ये करूंगा, बट ऐसा नहीं होता फात भाई।
वो रेट कोई नहीं देता लिखा हुआ रहने से। ये बकरा ये अपने मुस्तफिज भाई का कुर्बानी का है। मुस्तफिज भाई ने ये नहीं निकाले इतना बड़ा होगा, नहीं नहीं निकाले वो कुर्बानी है। हाँ बड़ा बकरा है लेकिन हाँ 100 के आसपास। क्या हो गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम इसका? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मस्त एकदम इतना शो क्वालिटी। नहीं वो मुस्तफिज भाई का छोड़ो ना यार, उनका क्या निकालने का। ये खिलजी, ये खिलजी नेक्स्ट ईयर की तैयारी पे। ये वाला ये हमारे एक कस्टमर का है, एक सिंग वाइट। ये भी सिंग बचाना पड़ेगा, बहुत गर्म बकरा लग रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत गर्म लग रहा है। ये अपना लंबू, ये सब नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। हाँ सब नेक्स्ट ईयर की तैयारी के बाद। ये भी अपना ही है, बहुत अच्छी हाइट। क्या हाइट है इसकी? 40 पकड़ लो, 41 40 पकड़ लो। और सेल है फाद भाई, ये बिक्री के लिए। हाँ कितना होगा, 90-80 आसपास? 80 पकड़ लो ना, 80 कमी रखो। कितना मांग रहे हैं इसका? 60। और कितने दांत पे होगा? 6 दांत पे। ये वाला ये अपने कस्टमर का ही है फाद भाई, नॉट फॉर सेल। अच्छा फॉर सेल, वेरी नाइस कलर पैटर्न, आप लग कलर में है, खूबसूरत। फॉर सेल भी हो सकता है, आप कॉल कीजिएगा जाकिर को, क्योंकि कस्टमर शायद बोल दे एंड टाइम पर बेचना हो। ये हमारे मोती जिनका है उन्हीं का है। माशाल्लाह यार, ये भी बहुत अच्छा है मोहम्मद भाई, ये भी 100 है। लेकिन फाद भाई आप 12 बकरों में हमारी क्या हालत हो गई थी पता है, फिर इतने बकरे, यानी 12 बकरे के लिए अंडुल बकरे है एमडी गोट फार्म पे। अंडुल बकरे बहुत सारे, अंडुल बकरे और अच्छे क्वालिटी के हैं। यस, ये हमारे कविज भाई का अलादीन। अभी मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो देख के मैंने ये सब बकरे कैसे मिस कर कैसे मिस कर दिया सीरियसली। एक्चुअली बहुत घाई घाई में थे। माशाल्लाह ये हाँ ये भी है, इसकी भी नहीं बनी वीडियो, ये स्लो मोशन ये सब नहीं बना हुआ। अरे तो शो के बहुत मिस करते हो, शो क्वालिटी का है ये। हाँ तो आपने क्यों नहीं सजेशन दिया, आपने तो निकाले ही नहीं कुछ बकरे। साथ में निकाल रहे थे मैं और तुम कुछ भाई। बकरे पहले कुछ भी, अब इसको देख लो एक मिनट, इसको देखो बात भाई। क्या मोहम्मद भाई, अच्छे अच्छे आपने मिस आउट किया, नॉट गुड। जाकिर भाई बकरा है, अरे बकरा क्या, इतना बड़ा बकरा है माशाल्लाह, कैसे छोड़ सकते हो तो। नेक्स्ट ईयर कुछ तो चाहिए ना फेस ऑफ, ये विंटर चाहिए ना फाद भाई, ये विंटर फेस ऑफ का फ्रंट कंटेंडर है सीरियसली। ये बकरा सुन, वो वाइट और वो लास्ट ये वाला मुंडा, ये वाला निकालो ना, ये एक मिनट, एक दो और ये तीन, तीनों निकालो बाहर, निकाल लिए बाहर, बाहर अलग ही दिखे। ये नवाब खान नेक्स्ट ईयर, दिस वन Next कौन year? सा कलर, नीचे फुलकारी है क्या, वाइट वाली? yes, सफेद yes. फुलकारी वाला। हाँ वो तीन बकरे नहीं, मोहम्मद भाई हैदर है, हैदर बहुत भाई हैदर लगता है भाई, अभी बहुत खुश हो गया है भाई। हाँ और सही में जो फोटो निकालते ना इसका बहुत खूबसूरत आता है। ये फोटोजेनिक बकरा है और वीडियो जेनिक जो, हाँ, जो यानी जो पता है रस्सी वो झाड़ पे, हाँ, 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 क्या रुबा फरी है ना बकरा, फरी है। इसकी कैसे भी वीडियो बनाओ अच्छी आएगी, ये खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फाद भाई ने निकाले नहीं, नहीं मैंने ज्यादा वाइट नहीं निकाला, देखो वाइट फुल वाइट ऑलरेडी था, तो मैं बोला थोड़ा वैरायटी देखने मिलेगी। ये है मोहम्मद भाई की जन्मदिन है, कुर्बानी करने वाले इसकी ये साथ इंशाल्लाह देखेंगे। नियत की हो? हाँ नियत की हो? नहीं नियत नहीं की है, बेचना तो नहीं है, नहीं बेचना है। मोहम्मद भाई हमारा वीडियो बना इंटरव्यू में, अच्छा आपने बेचना वीडियो है? में बोले मैंने बोला दो में से एक बिकेगा, या तो डेविल बेच रहा है, दोनों में से एक इरादा तो है, दोनों में से एक का, दोनों में से एक बिकेगा लेकिन एक नहीं बिकेगा ना फाद भाई, तो बेचना है भी नहीं भी वो दोनों है, दोनों यानी रेट ही ऐसा बोलो कि बिकेगा ही नहीं ना। ठीक है निकालिए बाहर, निकाल बाहर लेकर आइए। लव दिस, ये गुज्जर फॉर सेल है, ये हमारे खासी कस्टमर जो शहजादा है उनका ये खसी है, इसकी एक सेपरेट वीडियो यानी उसके झुंड में बनी है। हाँ ये खसी को क्यों रखे इसमें अंडुल के बारे में? फार्म स्टार्ट हुआ ना, हाँ तब से यहीं पे है, यहीं पे। तो क्या अग्रेसिव है कि इसीलिए रखे हो? अग्रेसिव बहुत है, लेट पंच है अपने यहाँ के पंच की। ओके ओके, ये अपना, ये बटलू, ये बटलू मेरा ही था, ये था सोल्ड आउट हो गया फर्स्ट वाले चैलेंज में। नहीं 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 कहीं पे नहीं, आपने सब मिस किए बात भाई। एक एग्जॉटिक का अभी इतने एग्जॉटिक खड़े हुए, हाँ वो इसी वीडियो में ये अगर हो सके तो बताया बिफोर द रेन्स कम, और ये अंदर डाल दे अदा बेचने के लिए। यस अदा बेचने के लिए, फरी बैंटम, आई अंडरस्टैंड राइट, खूबसूरत एकदम फाद भाई, फरी मुंडा बैंटम है। हाँ कितने दांतते हैं और कितना मांग रहे हो? 6 दांत पूरे गिनवा रहा है लग रहा है। हाउ मच आर यू आस्किंग? 38,000 रुपीज फाइनल। ब्यूटीफुल
फाइनल बोला हूँ फाद भाई। यस एक मिनट पहले ये बता दे हम फिर आप लेके तीनों लाइन से लेके खड़े रहो। ये वाला सानियन दांत पे चार दांत कितना किलो होगा? 60 किलो होगा। 60 किलो मोहम्मद भाई कितना मांग रहे हो? 50 50,000 रुपए मांग। बहुत महंगा मांग रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तो खाली वाला 50,000 सस्ता भी है। हाँ कितना? 50,000 सीरियसली नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है फादर। दिस इज योर गोट। हाँ मेरा है। मोहम्मद भाई तो दे देंगे सस्ते। ये मोहम्मद भाई इसकी सींग वैसी नहीं है वो वाले जैसी। नहीं नहीं लेकिन खूबसूरत है। ये खूबसूरत है वो चार दांत पे फाद भाई। हाँ। वो 50 ज्यादा बोला मैंने उसका। नहीं मैंने तो ज्यादा तो वर्ड यूज ही नहीं किया। मैंने खाली बोला 50,000। सही है फाद भाई। जैसे आप 50 तोला बोलते हो ना। हाँ। तो बताओ कितने दांत पे है ये? 6 दांत पे। 6 दांत है। हाउ मच आर यू आस्किंग? 58,000। यस सबसे अच्छा मुझे जो बकरा लगा ना ये इतना बकरा है बर्बरी फुल शॉर्ट हाइट में। अलग ही ब्रीड है लगता है बर्बरी में इतना छोटा। इसको सीरियसली फाद भाई मैंने ना इंस्टा लाइव में बेचा हुआ हूँ। बिक गया ये? हाँ ये हमारे शोएब भाई ने लिए। अच्छा। उनको शौक के हिसाब से मतलब चलो एक वीडियो बना ही लूंगा। बकरा है माशाल्लाह। यानी शुरू होते ही खत्म हो चुका है ना। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। बच्चा नहीं है चार दांत पे। अरे कितना बटला है, क्या हाइट होगी? अब मैं शोएब भाई से बात किया हूँ, हम लोग नेक्स्ट ईयर इसको यानी पंच करके रखेंगे। अरे नहीं पंच मत करो यार, पूरी ब्यूटी चली जाएगी पक्का शो में। आपको क्या लगता है शोएब भाई? फाद भाई बोल दिए क्या नहीं करना? मेरे ख्याल से आए थे वो शोएब मलिक। हाँ 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 तो खसी के शौकीन है लेकिन नहीं यहाँ अंडुल हो गए। अंडुल उनके है एक सानिया ने ये है। एक्चुअली बर्बरी खसी करोगे तो और मस्त बनते हैं। मस्त बनते हैं तो उसी हिसाब से गोल लगेगा ना छोटा लगेगा तो करो आप। आपको अगर क्या हाइट क्या होगी ना फाद भाई इसकी? कितनी होगी? 20? नहीं 20 नहीं होगी। तो ये मेरे पास पहले एक बन्नूर था वो हाइट क्या रहेगा ये पता नहीं। 20 यस। ब्यूटी आई है, ब्यूटी है, खूबसूरत है। कितने में बेचो? बेचना नहीं है। नहीं कल बिक गया आप बोले ना। हाँ तो कितने में बिका? नहीं वो उन्होंने मना किया है फाद भाई। ठीक है बट ऐसा आप कितने में मंगा के दे सकते हो? ये इंस्टा लाइव पे इसका रेट बोल चुका हूँ भाई। सूरत चानस में दिया। सूरत नहीं बोल सकता अभी तो बोल दो ना क्या चानस में। मुझे रेट ही याद नहीं है ना, मैं भूल बहुत जल्दी आता हूँ इसके लिए रेट नहीं बोल रहा यार। इसको ये मेरे को इतना पसंद है इसको मैं नहलाने लगाया। बेचारे का बाल इतना ब्राउन हो गया मुत के। नहीं ब्राउन और थोड़ा सा कलर वैसा है भी। हाँ फाद भाई अच्छा ये ऊपर बेज का। हाँ ये जो है ना ये ब्राउन कलर ही है उसका। जिंग है ना। हाँ कितने दांत पे है ये? 6 दांत। यस कितना? हाउ मच आर यू आस्किंग? 40 फाइनल। 40,000 रुपीस फाइनल। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल गो, खूबसूरत है फाद भाई। के देखिए तो ये जो बोने साइज के बकरे रहते हैं इनका भी भले अंडुल हो तो 3,000 रुपये पलाई या इनकी कम होती है? 3,000 रुपये पलाई। 3,000 रुपये पलाई। यस हाँ अगर वो शुरू होते ही खत्म हो गया बरबरा तो 2,500 रुपये। पहले इसे माशाल्लाह ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो विंटर में आप बनाने वाले हो फेस ऑफ। हाँ विंटर फेस ऑफ में। हाँ काफी बकरे आने वाले। जाकिर भाई चलाइए वॉक तो देखो फाद भाई माशाल्लाह। ये तो अभी से रेडी था। हाँ आपने मिस कर दिया फाद भाई। वेरी नाइस, कुछ तो रहना चाहिए रेडीमेड। रेडीमेड है ना, अभी फिर रुकना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी बना हुआ है 6 महीने में तो, और मेंटेन भी रखो तो बहुत अच्छा है। कितने दांत पे ये जाकिर भाई? टीम एमडी का। यस नॉट फॉर सेल। नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह फाद भाई कलेक्शन देखना। सीरियसली बोलता हूँ मजा आएगा। कोटा का शौक अंडुल का पूरा करेंगे। टीम एमडी खस्सी बेचना छोड़ दी हम लोगों ने। टीम एमडी का ही रहेगा कि और नए लोगों को भी आप? नए लोगों का भी है उसमें। सलीम भाई के भी 3-4 कोटा भाई नेक्स्ट ईयर के लिए। सलीम सोमानी के एंड क्वालिटी के उनके और हमारे फैज भाई के भी है। काफी कस्टमर के मैं नाम भूल जाता हूँ। पार्टनर गए क्या नहीं कोटे? कौन पार्टनर? अरे 50% पार्टनर। कौन? हमजा भाई। मेरा कोई पार्टनर नहीं है फाद भाई, गलती एक ही बार होती, बार बार नहीं होती है यार। दोनों ने ही बोले वीडियो में आके मजाक मस्ती। कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है भाई, वो ट्रॉली व्रॉली में बिठाना रहता तब बोल देता उसको तो बढ़ जाता है। लेकिन हमजा भाई को थैंक यू, उनको मुस्तफिज भाई को, उनके जो बैंटर्स होते हैं आपस में नोक झोंक। हाँ वो थोड़ा सा मजा आ जाता है। ये वाला कितने दांत में? 6 दांत है। अच्छा होगा चलाइए। छोड़ दो बारिश आ गई डाल दो।
एक ये वाला बकरा बहुत अच्छा। मोहम्मद भाई कौन सी नस्ल है? अब हैदराबादी क्रॉस में, हैदराबादी क्रॉस में बोलिए, हैदराबादी क्रॉस। हाँ यार फाद भाई, वाइट आइज में खूबसूरत बकरा, ये दोनों जोड़ी लाया था मैंने। हाँ माशाल्लाह बकरा है, 100 पार है ऑलरेडी। अभी वेट पे डाला नहीं हो फाद भाई, 100 पार होगा। वेट पे डाल सफदर, उसको सफदर भाई डालिए वेट पे। आई हूं 100 क्रॉस हो गया, वो भी 100 प्लस है ना। लेना चाहिए था ना उनको शो में, कितने बकरे ऐसे जो मिस कर गए। इसको फर्स्ट में लिए थे शायद अपुन ने, नहीं था ये, कहां था ये था फाद, ये था था, अरे नहीं था इतना बड़ा बकरा। माशाल्लाह फाद भाई रिजल्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह है ना रिजल्ट। 115 किलो पे आया है, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया यार फाद भाई, मेरे को भी नहीं पता था कसम से। तो ये कम पे आया था, कम पे आया था, कितने पे आया था कुछ इसका रिकॉर्ड होगा आपके पास? 85 से 115 गया है, एक साल भी नहीं हुआ होगा। नहीं एक साल नहीं, 3 महीने में 10-10 का एवरेज दे रहा है 95-100 भाई। इसका बोलने भाई बकरा अच्छा था, खाने में अच्छा है बकरा, 10 किलो ऊपर जाए भाई, अच्छी नस्ल का भेजो, अच्छी नस्ल का भेजो। मुझे लगा नहीं था ये, इसके साथ वाले को वेट करो ना एक बार। कौन सा वही वाला था ना, दो जोड़ी मंगाया था मैंने, इसके साथ में और एक आया होता, अभी डिफरेंस दोनों सेम वेट पे थे ऑलमोस्ट 80-85 के। तब तक सामने वाले बारे में टोर करेंगे। हाँ हाँ उसको डाल दीजिए, डाल दीजिए। लाइट चालू करो। इसमें से आपका वो था ना हिजाजी, यही है ना फाद भाई। ये कल रील्स बनाया था शेरा, ये अपने कस्टमर के बकरा है। कस्टमर अपने बकरे देख लीजिए, आपके कौन से बकरे हैं। देखिए हम क्षमा चाहते हैं भाई, बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं निकाल, बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए अंदर दिखा रहा हूँ बकरे की सुरक्षा के लिए, पर यादगार रहेगा एक वीडियो में। और ये हमारा लाल बादशाह जो भाई साहब को परसों तक बेचना था, लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह रील्स इसका इतना अच्छा बना, इतने कॉल्स आए, बट उन्होंने बोले अब मैं कुर्बानी की नियत कर लिया। देखो ऐसे भी होता है कि लोगों को पसंद आ जाता है वीडियो के बाद। यस यस बात भाई, अच्छी बात है ना, हमें लेके आया नया बकरा, उससे अच्छा यही करो। हाँ यही कर लो, ये हमारे रिक्वायरमेंट पे फाद भाई, आप इसको एक बार जूम कीजिए इस बकरे को। मैं कस्टमर को एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, हमारे अमेरिका के है जी, इसको सामने वाले ने कमेंट किया था, कमेंट क्या बोलते हैं उसको यार, कमेंट किया था, कमेंट किया था कि ये बकरा 100 प्लस जाएगा, मैं बना कर दूंगा। ऐसा नहीं है फाद भाई, जितना है अच्छा सामने आस पास जो मेरे साथ कमिटमेंट दिया गया था। हाँ तो बट मैं बकरा ऊपर गया है, बकरा नो डाउट ऊपर गया हुआ है, लेकिन जो भी वेट रहेगा मैं आपको भेज दूंगा और भेजता हूँ मैं, 85 के आसपास है अभी। और आया कितने पे था? 60। एक ये खोल सकते हो आप, बता देंगे अमेरिका में बेचारे खुश हो गए। हाँ वो उन्होंने खास बोले थे कि मेरा भी एक बार तुम्हारा ये निकाल लीजिए यहाँ राजा। ये वाला बकरा तभी देखिए, प्लीज निकाल दो आप। हाँ ये वाला बाहर निकालो आप, ये हमारा जैक, ये है, ये नहीं देखा मैं, ये हमारा बकरा, ये अपने बहुत खास आदमी का है, इंटरनेशनल ब्रीडर। अच्छा हमजा का बकरा, हमजा का भाई साहब ने लिए थे, 23 किलो का बच्चा 40,000 रुपये में फाद भाई, पैसे वाले तो। हाँ और भाई जहाज चलते उनके तो नहीं, लेकिन बकरा खूबसूरत, बकरा खूबसूरत है, लाल स्किन, हाइट ही नहीं लिया ना, मसला ये हो गया। और आपको ये ऐसे बोने में भी, बोने जब बकरा फूलेगा ना बहुत अच्छा। ये जैक, जैक ब्यूटीफुल गोट, ये बटला कौन बैठा देखो फाद भाई, बाहर लो, बाहर लो, यहाँ पे समझेगा, जल्दी लेके डाल दो अंदर क्योंकि बारिश तेज होने वाली है। फाद भाई बकरा एक्टिव है, खूबसूरत जी, ले ऊपर लो। आया कितने किलो पे था? ये लो, ये लो, 60-65 पे कुछ आया हुआ है फाद भाई, तो 20 किलो ऊपर ही चल रहा है ना। रस्सी रस्सी छोड़ो ना उधर, ले रस्सी छोड़ो उसको, थोड़ा खेलने दो, यहाँ यहाँ वहाँ ले ना, वहाँ ले। हाँ मोहम्मद भाई नहीं है, खेलता है वो, लेके आई थिंक ये 90 के करीब ही लग रहा है मेरे को, फिर भी मैं कम बता रहा हूँ ना फाद भाई, करा लो ना। हाँ उनको बता देंगे चलो। ये अच्छा अभी एक साल हुआ है नहीं हुआ? हाँ एक साल नहीं हुआ, नहीं एक साल अराउंड आसपास, तो ठीक ही है ना, एक साल 20-25 भी ऊपर जाता है तो अंडुल है।
जाकिर, अरे वहां पर मत छोड़ो भाई, बकरे भाई बकरे को डाल दो अंदर, बारिश हो रही है। हाँ। रिजवान ले जा फटाफट। अरे बाप रे बाप रे, सींग बड़ा डेंजर है, देखो उसकी रस्सी रस्सी रस्सी। जाने दो अंदर बारिश हो रही है, छोड़ो तो सही खुला। मोहम्मद भाई, ये जो अंडुल बकरे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भाई फार्म वाले जो है बंद ही रखते हैं केज में, क्या लाइफ है अंडुल बकरों की, जिंदगी भर बंद है, क्या आप खोलते हो बकरों को? खोलते ना फात भाई, खोलते हफ्ते में एक बार खोलते हैं। हाँ हाँ, जो कस्टमर नहीं आते ना, हाँ महीने में एक बार तो कम्प्लीटली पूरे बकरों को निलाया जाता ही है फात भाई, और रमज़ान में तो कंटिन्यू मैं खुद ही निलाया हूँ। ये सब पलटी वाले हैं, ये साल के हैं, ये बहुत खूबसूरत है, ये सब पलटी के, ये अपने मंदी ग्रुप का है ये वाला। हाँ खूबसूरत बकरा है, ये बड़ा बकरा है, वो माशाल्लाह। ये वो जो निकाले थे वो वाला है मोहम्मद भाई? हाँ ये वही है। कितना मांग रहे हो आप इसका? कितने बार बेचोगे यार फात भाई? ये उसी के साथ आया हुआ नहीं, सब लेके सब रख ले माशाल्लाह, है ना, नेक्स्ट ईयर सब वाइट वाइट ही लोगे क्या आप? नहीं है ना, बहुत वाइट वाइट खड़े। ये भी था, ये अपना माइकल जैक्सन है, ऐसा खड़े रहता। हाँ ये बिक गया, इतना फरी है ना। हाँ फरी गुजरी, फरी गुजरी है क्या, समझ में नहीं आता। मैं माफी चाहूंगा, बारिश बाहर बहुत बारिश है भाई, जितना हो सका हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। मोहम्मद भाई वो बकरा कौन सा खोल के बताया, वो बताया? हाँ बता दिया, वो मेरा ही था ना बेचने के लिए। हाँ करौली हिजाजी, हम लोग हिजाजी कहाँ पे गया? हिजाजी फर्स्ट वन। अच्छा वो सेकंड वाला है, सामने ही है। ओके वो देखो बाहर घूम रहा है। सब केज फूल है फाद भाई। महोदय ये कब जाना शुरू हो जाएंगे अंडुल? अंडुल एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते में अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता 50% जाएंगे, 50 यहीं रुकेंगे। बारिश हो रही है बोलते हैं। यस ये भी बेचने के लिए निकालते, वो है क्या? हाँ ये वही है। महोदय मॉर्निंग में क्या पड़ता है, हरी पत्ती डालते हो आप? हाँ मॉर्निंग में क्या डालते हो, हरी पत्ती? मॉर्निंग में हरी पत्ती। ओके आफ्टर के टाइम पे इसकी भी सिंग बहुत अच्छी है। ये 12 महीना पलाई नहीं आई, बेच दिया। 12 महीने से पलाई नहीं आई? हाँ नहीं आई, बेच दिया। रिकवर हुआ पलाई का पैसा? हाँ हो गया, हो गया। यस तो मोहम्मद भाई 12 महीने पलाई नहीं आई, लोग बोलेंगे आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से? स्टार्ट था ना धीरे धीरे समझ में आता है कैसा। अभी अभी, अभी कौन है आपका, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कलेक्शंस डिपार्टमेंट है, कि आप ही सब करते हो? ये सब सब आप ही करते? सब बहुत टाइम जाता होगा ना, एक तारीख के बाद बहुत टाइम जाता है फात भाई। ये अकाउंट आजकल किसी के हाथ में दे नहीं सकते फात भाई। नहीं एक्चुअली वंस बिटन ट्वाइस शाय बोलते हैं, एक बार धोखा हो गया तो आप नहीं दे सकते, एक्चुअली देना भी नहीं चाहिए। नहीं गलती रहती है बहुत बड़ी ब्लाइंडली, क्योंकि पैसे का मामला है, पैसे का मामला है। ये भी अभी बिका हुआ है माशाल्लाह, दिलावर, ये भी मेरा ही था बकरा। मोहम्मद भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई 2-3 महीने से पलाई पेंडिंग है, आप मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पर, ब्लू टिक भी आ रहा है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्ड। जाकिर काफ़ी बार व्हाट्सएप करता है उन लोगों को, टिक होता है, आंसर नहीं आता है, उसके बाद मैं बकरा भेज देता हूँ। गलत बात है ना ये सब, ना करे। आंसर तो दो, आपका बकरा आप इतना ये कर लेते हो तो जब हम लोग पलाई के लिए बात करते हैं या कॉल करते तो आप रिस्पॉन्स तो करो कम से कम। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लोग परेशानी में नहीं रहते, रहते हैं यार फात भाई, लेकिन
10 महीने 12 महीने कम नहीं होते फादर। वेरी नाइस है ये, उसके उसके साथ आया था आप जो बोल रहे थे। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, दिलावर। ये न्यू बाड़ा है, सबसे लास्ट बाड़ा यही वाला बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं था ना, शेड से लेके कुछ भी नहीं, पूरा एम्प्टी था ना यहाँ पे, वो गवार के नहीं कि आप देखे थे। यहाँ पे भी है बकरे, ये तो खाली था ना मोहम्मद भाई, यहाँ मेरे ब्रेड और अंडे बिकते थे मोहम्मद भाई। हाँ। पहला जो हम लोग ने कॉन्टेस्ट किया था उसमें यहाँ पर लाके बकरे बांधे थे। हाँ। आपको वैसा वाला फॉर्मेट पसंद आया कि अभी जो था स्क्रीन अभी पर जो था वो सही था, अभी जो सही था पब्लिक चुन अभी सही था। लास्ट टाइम पे काफी बकरों की हालत हो रही थी, यानी बार बार स्लो मोशन के लिए भी टेक लेना पड़ रहा था और उसके बाद में घुमा फिरा के जो खड़ा करना पड़ रहा था। नहीं नहीं, शुरुआत में जब टॉस उड़ता है ना, टीम बकरे सेलेक्ट करती है। हाँ। तो यहाँ पर सारे लाके बांधे थे, बकरे पूरे दिख रहे थे, उसमें से टीम चुनती है। हाँ। वो बेटर था क्या जो फोटो वाला? नहीं, फोटो वाला बेटर, फोटो वाला बेटर, फोटो वाला बेटर था, टेलीविजन जैसा लगा। यानी यहाँ अनाज रोम स्टॉक कर दिए, अभी कितने दिन का हिस्सा, कितने दिन का बैक भाई, पूरी गाड़ी मंगा लेते भाई, बहुत पैसा अपने पास, अल्लाह और दे आपको भाई। ये डायलॉग मेरा नहीं है, मेरा डायलॉग नहीं था ये, बहुत पैसा है मेरे पास। मोहम्मद ये अनाज वनाज का है, आई मीन शुरुआत से आप ही देते हो पैसे, यू डील, और आपने को एक डिपार्टमेंट रखा है जो खरीद फरोख करे और सप्लाई के लिए, आप सप्लाई अपना परचेजेस एवरीथिंग यू हैव बीन डूइंग। सब मैं भी वही सोचता हूं फाद भाई, यार सब तो मेरा था सीरियसली यार, एवरीथिंग वाज योर्स। यस मोहम्मद भाई, क्या है अभी जब आप फार्म शुरू किए थे क्या था हरी पत्ती का रेट, अभी क्या चल रहा है? एंड बढ़ गया फाद भाई, 16.5 और अभी वो टाइम पे 33 डबल 34 ऑलमोस्ट डबल। यस डबल से भी ज़्यादा, 34 डबल से भी ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया फाद भाई। ये आपका पर्सनल रूम है? नहीं ये पर्सनल रूम नहीं, ये यहाँ स्टाफ रहता है, बट अभी ये पूरा बनने वाला है। खाना वाना भी हम यहीं खाते हैं। हाँ खाना वाना यहाँ खाते हैं स्टाफ, ये जो कस्टमर्स आते हैं उन लोगों के लिए बैठने उठने खाना पीना खाने के लिए, ठीक है। इससे स्पेशियस रूम नमाज वमाज पढ़ने के लिए, नमाज वमाज पढ़ने के लिए यहाँ अपने कस्टमर्स बैठते हैं, ठीक है। वेइंग स्केल है यहाँ पर। हाँ कुत्ते भी पाल के रखे हो आपने? कुत्ते बहुत है भाई, दो तो मैंने दे दिया। हाँ घोड़ा भी है। वो क्यों केज में रखे हो? कबूतर भी है, वो वहीं रहता है। अच्छा हथियार, घोड़ा बेच दिया आपने? नहीं बेचना है। अच्छा भाई, बहुत गुच्छा ले लिया मैंने अपनी लाइफ में ये सब पलाई के बकरे जो छोटे छोटे आते हैं, ये फोर सेल है, ये फीमेल है बन्नूर, दो दांत पे, ये भी दो दांत पे, बन्नूर फीमेल, दोनों फीमेल, दो 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 दांत पे। हाँ गाबन है, एक गाबन है। ओके जोड़ी ले लेना, 35 में जोड़ी, 35 में जोड़ी, 35,000। और ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो देसी मेंढा है? हाँ नहीं बेचना, वो देसी है, नहीं इसका ही बच्चा है बट क्रॉस में निकला है। ओके ये खुद बन्नूर क्रॉस ही लग रही है? हाँ क्रॉस ही है। दैट इज आल्सो वेरी नाइस मालवा। ओहो ये बकरी भी क्या है, ये टीम एमडी की लग रही है? टीम एमडी की हाँ, लगा उसकी। हाँ। वो भी टीम एमडी की लग रही है, वो भी टीम एमडी, ये वाली यस, ये वाली इसके पोस्चर से लग रहा है क्वालिटी है, तो टीम एमडी की है, बहुत अच्छी है। उसके से डाली के नहीं बच्चे किसने? ये नहीं 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 गुजरी है ना? नहीं नहीं अभी तक नहीं। वो जो आप बोल रहे थे ना हथियार जैसे लास्ट टाइम निकाले थे मुस्तफिज भाई का, वो भी अच्छा, वो ये है। हाँ वो हमारा सुल्तान, फोर सेल है। हाँ भाई वो मारवाड़ी है। हाँ कितने दांत है? पूरे दांत नहीं यार, चार। कितने साल का है? चार साल का है। और घोड़े जो है मेरे ख्याल से 2.5 साल में दो दांत करते हैं, 2.5 साल में दो दांत, 2.5 साल पकड़ लो ना फिर बात भाई, है ना। कितना मांग रहे हो आप? 50,000। अननोन ब्लड लाइन है, कोई ब्लड लाइन का नहीं है? नहीं नहीं ब्लड लाइन का नहीं है, अननोन है। 50,000 रुपए में आई थिंक कितनी 58 हाइट है, अराउंड 58-59 हाइट है। मैंने वो देखा वो वीडियो, मेरे को बहुत तरस आया वो राइडिंग वाला वीडियो। ऐसा ना कीजिए क्योंकि घोड़ा है एक सर्टन वेट उठा सकता है मोहम्मद भाई। हाँ आप नहीं, इसके लिए अभी उस पर सिर्फ सफदर बैठता है फाद भाई। हाँ और किसी को नहीं बिठाते हम लोग, क्योंकि वो वीडियो देख के मेरे को घोड़े पर इतनी तरस आई। अरे मोहम्मद भाई ये तो वो है ना शेरा? हाँ
इसके लिए स्क्रिप्टेड वीडियो बना था एक चैनल पर। हाँ हाँ, कैशेरा पठान ने घुस के मारा, ये सिंग है इसकी तो। हाँ वो डैमेज हो जाता है, पठान छूट गया बाय चांस जड़ से तो बेचना नहीं, नॉट फॉर सेल है भाई, बहुत महंगा है वो। इसीलिए तो आई थिंक भीड़ उमड़ पड़ी थी साउथ इंडिया में, लोग दीवाने थे इसको खरीदने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ना मुझे नहीं पता यार, पब्लिक लड़ रही थी भाई मेंढा लेने को। हाँ तो ऐसे मेंढे रेयर मिलते हैं फात भाई, ये क्लास है टेडी हमारा है माशाल्लाह। लेकिन मैंने देखा जो टीम एमडी का ना, हाँ एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू अदर क्लाइंट्स, बहुत अच्छा आपने किया सिलेक्शन। भेज दूँ ये भी, भेज दूंगा ये किसका? हाँ कितना रुपये, कितने में भेजेगा? 20 में भेज दूंगा। 20,000 रुपये में? कितने दांत पे ये? चार है, छः पूरे दांत किए? पूरे कर लिया, पूरे कर लिया है। 20,000 रुपये में बर्बरी मिल रहा है आपको। हाँ चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है ना, खाली खुर बड़ी है थोड़ी। कहाँ से बड़ी हो गई फाद भाई? खुर टेढ़ी हो गई है बढ़ के, वो ऐसे ही खड़े रहते। अच्छा, वो ऐसे ही रहती है? हाँ टेढ़ा ही खड़े रहते हैं हमेशा। नहीं नहीं कोई बिकने के लिए नहीं ना, ये बोर है वाइट वाला, हदंत है, हदंत दो दांत पे, दो दांत, दो दांत। कितना मांग रहे इसका? 25,000। यस नेगोशिएबल है। कितने कितने आ जाते हैं बकरे यहाँ पे? हाँ यहाँ पर बकरे कितने आ जाते हैं? और यहाँ पर आपने केज क्यों नहीं बनाया? केज बनाए थे, 45 केज बेचा, 45 बकरे बेचे, तो वही हो गया ना, एक ही बात नहीं। 45 में ज्यादा बैठ रहे जो छोटे बच्चे, अभी आप देखो ना फात भाई, इतने इतने बच्चों को मैं सिंगल सिंगल केज में नहीं डाल सकता फात भाई। बट मैं देख रहा हूँ खस्सी के लिए आपने जगह ही नहीं बनाई है, है ना वहाँ एक ही, हाँ एक ही, इतना सौतेला व्यवहार। अंडुल का शौक, अंडुल का शौक, अंडुल का शौक। खस्सी आएंगे तो वैसा बनाया जाएगा, अंडुल आते गए और हम बनाते गए। ज्यादा अंडुल ही पलाई पे रखती है, ज्यादा अंडुल ही। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। गुलाबी है? गुलाबी ब्यूटीफुल। बेचना है? नहीं बेचना है। कितने दांत में? चार दांत पे है। कितना किलो होगा? 65 किलो पे होना चाहिए। कितने में बेचना है? 30 के आसपास देना है। 65 है क्या, कम है? वजन कराए थे 50-60? 50 के तो डेफिनेटली ऊपर है, 55-60 के ऊपर, 55 के अंदर पकड़ लो, 55 के अंदर। यस 55 के आसपास। कितना बोले? 30,000 रुपये में। नंबर जाकिर का डालता हूँ फात भाई, इन्हीं का डालू स्क्रीन पर। हाँ हाँ, आई यू श्योर मोहम्मद भाई? क्योंकि देखिए क्या होता है, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँ। क्या होता है मोहम्मद भाई, समटाइम्स यू नो नॉट एवरी टाइम योर स्टाफ इज गोइंग टू रिमेन विद यू फॉर एवर, अल्लाह करे ऐसे। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज पीपल आस्क मी टू डिलीवर। ठीक है फात भाई, आपके बोलने पे तो आप ही का नंबर डाल। यस मेरा नंबर डालिए, मैं इनका डाल दूं। हाँ डिस्क्रिप्शन में मैं जाकिर भाई का डालूंगा, अगर इन केस मैं फोन नहीं उठाता। एक काम कीजिए, आप एक कंपनी का फोन नंबर ले लीजिए जो स्टाफ को दीजिए, अगर स्टाफ जाता भी है सिम कार्ड आपके नाम पे, वो नंबर कोई और यूज करेगा। नहीं नहीं चलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकिर का नंबर डाल दीजिए स्क्रीन पर। हाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर, मैं कोऑर्डिनेट करवा लूंगा जाकिर से बात करके, इन केस बिजी रहा अगर। हाँ। नहीं कॉल उठाया तो। ये भी बेचना है? क्या डिटेल्स है इसकी? ये तो भी अदंत से पालने वाला, अदंत है ये, अदंत बच्चा बताइए। अदंत है? अरे वाह अदंत, इतना अभी अच्छा मंगाया। कितने किलो पे है? 55-60 किलो पे अदंत। कितना मांग रहे हो उसका? लॉन्ग ईयर में 28,000 फाइनल। हाइट नहीं है? नहीं अदंती है, अदंती है ना फात भाई। और कोई है, वो बेचना है? जाकिर भाई बेचने के लिए? नहीं मुझे ये बकरी बहुत अच्छी लगी है ना, खूबसूरत। कितनी की मिलेगी ऐसी बकरी? कितनी है? 75 के आसपास। ये बकरियाँ इतनी महंगी हो गई, हम लोग महंगी चीज़ लेते हैं फात भाई। दिलाई जाती है कि आप खुद लेते हो? नहीं नहीं दिलाई जाती है, पहले तो दिलाई। ये है ना सस्ती बकरी भी है ना भाई फात भाई, ये मेरे एजाजी से क्रॉस करवाया फात भाई, देखना है मुझे एजाजी का रिजल्ट क्या है। इनका कितना वो जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी गर्भ का कितना होता है? 3 महीना? 6 महीना? 6 महीना, 6 महीना। जाकिर आ जा भाई। मोहम्मद भाई अपना विनर है क्या? यस है ना, शहजादा शहजादा माशाल्लाह।
ये वाड़े में बहुत अच्छे है और ये वाड़े में बहुत ठंडक लगती है, ठंडक लगती है क्योंकि सब खुला खुला है ना, आई लाइक इट। इसके लिए ये देखो अभी ये शहजादा हो गया, ये नूरा है आसिफ भाई का शहजादा। हाँ आसिफ भाई, आसिफ भाई का कंग्रेचुलेशन आसिफ भाई, बहुत अच्छा बकरा है। ये भी अच्छे हाइट पे था, वाप भाई का बिक गया ये। ओके माशाल्लाह, आपने नहीं निकाले फाटा, मुझे मत बोलिए आप। इतना बड़ा बकरा है, ये सब नेक्स्ट ईयर है क्या फाटा? देख के पता नहीं चलेगा। नूरा जी बैठे हैं, नूरा जी, जब नूरा जी बैठे हैं माशाल्लाह, गजब है ये भाई। ये भी सलीम सुमानी, ये भी सलीम सुमानी, ये भी, ये भी और वो भी। ये बकरा था, ये सब नेक्स्ट ईयर के आ गया, ये पहले वाला ये फर्स्ट इसमें था। उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप दिला रहे हो उनको बकरे? नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही परचेस नहीं किया है। वेरी गुड कलेक्शन। ये नूरा का बेटा? हाँ ये आपने बताया। हाँ। ये बेच रहा है? नहीं नहीं, नूरा का बेटा नहीं। तो नूरा की पहले ऐसी सिंग थी थोड़ी, एकदम बहुत बड़ी सिंग थी नूरा। हाँ। इसका नाम क्या है? नवाब। नवाब, अरे इसकी स्लो मोशन बहुत अच्छी है, जो आप आए हो साथ में। हाँ हाँ, वेरी नाइस। कौन सा इधर देखिए, ये टावर, टावर फैज भाई, फैज भाई का टावर। ये साल कुर्बानी के लिए क्या, अगले साल? ये साल शायद, ये साल हो सकता है पलटी भी हो जाए, डिपेंड ऑन उन पे। ये अगले साल के लिए? ये भी उन्हीं का है? नहीं, ये हमारे टीम का है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल गोट्स। जाकिर यहाँ वो सोल्ड हुआ, झालर वालर क्या आएगा, बहुत अच्छा छोड़ेगा। इसमें फोर सेल है ना? कौन सा वाला? ये मस्त है। हाँ, क्या डिटेल्स है उसकी? दो दो रात पे ना सब तो पंच कर दिए, पंच 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 किए हुए। तो गुजरी है ये, किलो वाइज बेच रहे हो आप? किलो वाइज क्या है, किलो वाइज बहुत महंगा है फाद भाई। कितना अप्रोक्सीमेट? 550 रुपए किलो। ठीक है, 550 है आपका प्राइस, नेगोशिएट करके थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ हाँ, 550 पर केजी। ये मैं जाकर लाया था, काफ़ी दूर, बहुत खर्चा किया था जाने आने में। हाँ, कितने की पट्टी है ये, यानी कितने किलो पे है अप्रॉक्सीमेट? 45 to 50 के बीच। बड़े लग रहे हैं कुछ तो, जैसे वो है, ये तो बड़ा लग रहा है। कमी बता दो फात भाई। हाँ? है तो ज़्यादा, कम बता रहा हूँ। आई थिंक ऑन एन एवरेज 50 का पकड़ो मेरे को। हाँ, 50 की पट्टी है। कितने हैं इसके अंदर बचे हुए? जाकिर तीन ही है सिर्फ, बाकी बिके हुए हैं। ठीक है, और इनकी सारी सेपरेट वीडियो बन चुकी है, बन चुके बड़े बड़े बकरे टीम एमडी गोट फार्म के हैं सारे के सारे। अच्छा, वो कस्टमर मतलब यहाँ पे कितने खसी बकरे आ सकते हैं अपने फार्म पर? कितने ये बाड़े पे पूरे कितने खसी बकरे आ सकते हैं? यहाँ से वहाँ तक तो पूरे खसी आ सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरे खसी आ सकते हैं। कितने हैं, कितने आ सकते हैं? 100 की कैपेसिटी है, 100 की कैपेसिटी है यार। अगर वहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाए तो और आ जाएगा ना मतलब। ये पहले से बना हुआ था ना? हाँ, ये वाला पहले से बना हुआ था। ये जो बाजू में गए अपन देवनार मंडी, वो तो आपने बनाया है, वो और खाली था पूरा। और सामने के दो बेचने हैं, इसमें छह खस्ती बेचने हैं। अंदर जाके बताइए ना। एक तो ये है माशाल्लाह, कितने किलो पे ये? 110। जमाल भाई, आप ये बाड़ा जो है जमाल भाई है? थोड़ा पीछे लेके खड़े रहो, बकरा पूरा दिखेगा माशाल्लाह, लग रहा है ना बहुत अच्छा। ये ज्यादा है, कितने किलो पे होगा ये? 115 110। कितने दांत पे? पूरे दांत पे। मोहम्मद भाई कितना मांग रहे हो इसका? इनके 6 बकरे है। हाँ हाँ, क्या रेट से देने बोले? 600 रुपये किलो नाक पे। मोहम्मद भाई का नंबर दे देता हूँ मैं, जिस गेम में कॉल। हाँ हाँ, ठीक है। एक ये है, ये भी उन्हीं का है, एक वाइट है, दिस मस्ट बी अराउंड 90 केजी। दूसरा पकड़ ले जाकिर, और कौन से उनके? अच्छा, ये भी एक फोर सेल है फात भाई, ये वाला बिक्री के लिए। हाँ,
कितने दांत है वो, कितने दांत है? पूरा दांत। और ये वाला, ये जो चॉकलेटी मुंडी वाला है, ये चार या छह पे रहे, चार दांत है, चार दांत पे, चार दांत पे। वो भी है, वो भी बेचने वाला है, व्हाइट वाला, वो भी बेचने वाला। अंडू है? अंडूल नहीं, खसी, खसी सब खसी है। दांत देख जाकिर पूरे, इसका जमाल भाई, ये भी देखो, ये भी छह दांत है, छह दांत, आठ है, छह, ये भी फोर सेल है। कितने दांत है? पूरा हो गया। अच्छा, वो जो चॉकलेटी गर्दन वाला, चॉकलेटी गर्दन वाला पकड़ो, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। वो चार दांत पे ना जाकिर, ब्राउन मुंडी वाला, चॉकलेटी गर्दन वाला, छह पे है, खूबसूरत बकरा है, खूबसूरत। कितने किलो पे होगा वो? 90, 80 होगा कम से कम, 80 के आसपास, 80 है, छह दांत पे। कॉलर मोहम्मद भाई, और ये नंबर दे देंगे क्लाइंट का, ये भी है, ये भी है, ये भी फोर सेल है। तो काफी बकरे हैं यहाँ पे, छह के काफी। वो गुजरी बेचना है जाकिर, ये गुजरी, गुजरी बेचना है? नहीं। तो ये है बिक्री के लिए भाई, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड गिव मी अ कॉल। ये नूरा का बच्चा है, नवापुर से, राइट? हाँ, ये कौन सा है? टावर। अच्छा हाँ, ये टावर है, ये पलाई के है मोहम्मद भाई? यस, पलाई के है, छोटे छोटे बकरे पब्लिक लाती है। हाँ हाँ, तो एक ही पार्टी के है सारे इतने? सर नहीं नहीं, अलग अलग। ये साइज के बकरे का 2500 है पलाई? हाँ, 2500, 2500 इनका, 2500 क्या वेट? 2500 50 के नीचे रहेगा, 50 के नीचे रहेगा 2500। साने इनको खस्सी कर डाले? नहीं, खस्सी नहीं की है, खस्सी किया। अच्छा, अंडू रखे सेट है उधर। ओके, ये सब फोर सेल है, ये ब्लैक छोड़ के। थोड़ा पीस ब्लैक ही अच्छा लगा सबसे। हाँ, ब्लैक सबसे अच्छा लगा। ये था अपने शो में? नहीं, वो नहीं, पीछे, नहीं, नहीं, वो पीछे वो था। तो ये कितना कितना देसी मेंढे है कि कौन से है? ये हॉन्टेल है एक तो पीछे वाला। हाँ, लमदुम, ये भाई साहब नहीं, लमदुम है क्या वो? हॉन्टेल है, लमदुम है वो, पीछे वो हॉन्टेल है, वो हॉन्टेल है ना? आई डोंट नो, मेरे को मेंढों के बारे में ये है ना, लमदुम इधर एक है, जो भी है भाई आप बता देना डिस्क्रिप्शन में कौन सा है। और ये कौन सी नस्ल रहेगी? कौन सी? मदुराई की? क्या मदुराई? मदुराई बेचना है, बेचना है। फोर सेल। कितना मांग रहे? 27,000। कितने दांत पे होगा? दो दांत पे 27,000। यस। और ये वाले मेंढे जो पीछे दो है खड़े हुए, दो दो दांत पे 50 किलो के आसपास। और कितना मांग रहे? क्या बोलने जा रहा है, फोन पे बता देना। फोन पे बता देता हूँ, कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छा है, जल्दी आ गया, जल्दी शूट के लिए फ़ायदा हुआ। हाँ, नहीं तो नहीं हो पाती थी इतनी बारिश। अंडूल है फात भाई, ये इसी की बात कर रहे हैं। इसी वाला है, है ना? ये बेचना है? नहीं, नॉट फॉर सेल। ये टोमेटो कितने केजेस है मोहम्मद? तो बहुत बड़ा केजेस का सेक्शन है ये, 84 केजेस है। सबसे बड़ा वाड़ा है ना, सबसे बड़ा वाड़ा है, इसका नाम ही रख दिया 84 नाम है 84। यदि अंडुल केजेस की क्या हालत करते फाद भाई? मोहम्मद यहाँ पर आपने पैलेट क्यों नहीं रखा? हाँ, सफाई नहीं, यहाँ मट्टियों पर तो सफाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, ईजिली हो जाती है। ये माशाल्लाह है, वेरी गुड, मेरा ही है भाई, माशाल्लाह, खूबसूरत है, गुलाब ब्रीडर है। कौन सी नस्ल फार्म स्टार्ट किया तो तब कौन सी नस्ल है मोहम्मद भाई? पतीरे में मोहम्मद भाई, वो क्या किया आपने? तबाही तबाही कुर्बानी किया ना? कुर्बानी कर दिया, कुर्बानी किया। हाँ, उसी साल। चलो, मेंटल था, मेंटल था, तोड़ लिया था सिंह, सिंह तोड़, सिंह तोड़ लिया था। ये कितने कितने दांत पे हो गए? ये कोटे जो है मोहम्मद चार दांत, तो ये साल जाएंगे सारे? ये बेचना है ना, ये बेचना है, फुल सेल है फात भाई।
एक्चुअली नीचे से देखो बकरा पूरा आ नहीं रहा है, बकरा है अच्छा, बच्चा सूरत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। 35 मांग रहे हैं, 35,000 दो दाल ये बेचना है, ये बेचना है, कितना किलो, कितना रुपया और कितना? आपको बोला हो शायद वीडियो में, निकाला है, निकाले थे ना। पहला लॉट देखते हैं स्टॉक क्लियरेंस वाला, ये सब नेक्स्ट ईयर के। ये भी बहुत बड़ा है, ये भी था निकला हुआ सेलिंग के लिए? नहीं नहीं, वो वहाँ से निकला हुआ था, ये अपने फैज बाइक है। ये अपना आदिल भाई का है, पूरा एक्सट्रीम पीपीआर में था ये भी बकरा माशाल्लाह। ये अभी निकाले थे? हाँ ये निकाले हुए थे, ये निकाले। देख लीजिए आपके बकरे जो है। हाँ नहीं, मैं आप बात कर रहे हो तो मैं बता दूँ। नहीं नहीं बोलिए, एक बार देख लीजिए भाई आपके बकरे। मतलब आपके कितने बकरे हैं फार्म पे टोटल? मोहम्मद भाई आपके कितने बकरे यहाँ पे फार्म पर? खुद के पर्सनल, नॉट टीम एज मेरे personal. अभी ज़्यादा नहीं है फार्म पर, नहीं टीम एमडी को, टीम एमडी के ना। नहीं आपके पर्सनल कुर्बानी की कितने हैं, घर की कुर्बानी की? चार पांच मेरे घर की कुर्बानी। कितनी करते हो आप साल में कुर्बानी? कितनी साल में कितने बकरे की कुर्बानी करते हैं? चार। और आप लास्ट मोमेंट पे घर पे लेके जाते हो बिल्डिंग में, कि अभी फार्म है तो बस यहीं से? नहीं नहीं, फैमिली भी शौक कर, भिजवाता हूँ, भिजवाता हूँ, भिजवा दे। हाँ भिजवाता हूँ, पहले भिजवा देता हूँ। मतलब आपने इतना जो बनाया है, आई मीन अभी आपने सोचा होगा फ्यूचर में, आई मीन इफ नॉट मी तो कौन कंटिन्यू करेगा यह हॉबी? आपके बच्चों में है शौक? नहीं ना पास है, अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। जब तक हमें तो शौक है फाद भाई, हमारे टीम को भी है। हाँ फैमिली में है बकरों का शौक? हाँ क्यों नहीं है, खाली आप ही हमें शौक है तो सबको है फाद भाई। यस यस, ये भी बहुत अच्छा बना है जोकर, सोल्ड आउट हो गया। कौन सा वाला जोकर? ये जोकर गुलाबी बकरा, ये कितना गुलाबी बकरा है, ये गुलाबी पतला है, बना है पतला है लेकिन मम्मी वाला बहुत खूबसूरत है भाई साहब। ब्रीडिंग करेंगे अभी, ये फर्स्ट शो में था वो? नहीं नहीं, ये कमांडो, ये कमांडो। यस ये जीत गया था मेरे ख्याल से ब्लैक वाला ना, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड जीता था, फर्स्ट राउंड जीता था, फर्स्ट राउंड। क्या दिया जा रहा है इनको? क्या दे रहा भाई राजा, क्या दे रहा है? मक्का नहीं खाते इसके लिए देते हैं। जाकिर भाई बराबर डिटेल दे देंगे, भूख लगने की दवा। हाँ भूख लगने की दवा, हम लोग बताते नहीं है लेकिन आपको बता दिए फाद भाई। ये भी बहुत अच्छा बना है फादर, ये कलर पैटर्न सीरियसली। एक्चुअली अंदर इतने छोटे लगते हैं लेकिन जब बाहर निकालो तो ये बकरे को बाहर देखो ना, बट इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो वी कैन नॉट टेक देम आउट। कितना 100 है कि 90 के आसपास? 90 टू 100 के बीच में फादर, हाइट वाइड खूबसूरती बहुत प्यारी है। सिंह का बड़ा मस्त है, अच्छे अच्छे बकरे ना मोहम्मद भाई सिंह। मोहम्मद भाई लोग बोलते हैं वो अपन वो लगा दो, क्या बोलते हैं वो, नहीं लगा कपड़ा बांध लो, हॉर्स पाइप लगा लो, हॉर्स पाइप दूसरा कुछ भी कर लो, वो लोग घस घस के देखो ना फाद भाई सामने आप
और जब सब कस्टमर एक साथ जब अंदर आते हैं, हम सब वेटनरी डॉक्टर, एक बार बीच में आपने डाला भी था कोई वेटनरी डॉक्टर का, हाँ, उनसे पूछा है कि भाई क्या वजह है, आई मीन व्हाई डू दे रब देयर हॉर्न्स, कुछ पूछा आपने कोई इलाज क्या, कोई क्या इलाज करोगे फाद भाई, जिसको खुजली होती है वो खुजाएगा ही ना, नहीं तो खुजली का भी इलाज होता होगा ना, खुजली बंद करने का इतना आइडिया नहीं है फाद भाई, अगर इतना होता तो सबके सिंग बचे हुए रहते ना फाद भाई, अगर इतने महंगे बकरे लेते तो वो दवाई भी ले लिए होते, आई थिंक ये लोग का नेचर ही ऐसे मारने का, ये लोग का नहीं इंसानों का भी, इंसानों का खुजली रहती है ना वो खुजाएगा ही, एक बचा है लास्ट वाला, बट देन वहाँ के बकरे आप नहीं बता, नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाहर एक और बाड़ा है ना, हाँ वो पीछे अल्फा है, बता बहुत खर्चा हुआ पार्टी के टाइम मेरा, ये बता लेंगे अच्छा बताएंगे, बारिश झेल लेंगे, तो क्या प्लान था बेसिकली अल्फा का, नहीं मुझे यानी दावतें करना अच्छा लगता था कितना खर्चा हुआ दावत पे अल्फा, 1,90,000 रुपये, ऐसा क्या खिलाया आपने 1,90,000 का, और कितने पूरे गाँव को बुलाए थे क्या, दिनकर पाड़ा को, सब पूरे गाँव आते अपने अपने यहाँ फंक्शन ऐसा रखते हैं, हम लोग पूरा गांव आके आता है वो खर्चा भी पार्टनरशिप पे हुआ होगा ना खिलाने का, क्या कौन वो आप... बोला मुझे कौन? तो वाटरप्रूफ है अच्छा, माइक वाटरप्रूफ नहीं है, छतरी तो ला दे यार, भाई एकदम टूटे तो फायदा नहीं होगा, अरे बेटा तू सामने बता, तो ये है अल्फा, अल्फा नाम चेंज कर दिए फाद भाई, अभी अभी कुछ दिन होता तो और कुछ अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा बीटा गामा, हाँ मोहम्मद भाई, ये शेड बनाने में कितना खर्चा आया आपका, 50% खर्चा, कौन सा 50%, तो शेड भी आपने पूरा अपने पैसे से बनाया, सब मेरा ही खर्चा है फाद भाई, मेरे को लग रहा है आप अपोजिट के अपोजिशन वाले हो यार सही में यार फाद भाई, पब्लिक को यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है तो बताना ज़रूरी है कि भाई द एंटायर मनी यहाँ पे सब हमारा नहीं है, सब मेरा ही था जी। मोहम्मद भाई ये जो है अल्फा, यस, क्या उद्देश्य क्या था आपका बनाने का? उद्देश्य ये था मुझे पार्टी देना था मैंने दे दिया और मैं ही नहीं था पार्टी में, क्या बात कर रहे हो आप नहीं थे? नहीं नहीं मैं नहीं, तकलीफ हो रही थी फाद भाई यार, ज़्यादा खर्चा हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने बकरे बंधे हुए फाद भाई? भरा नहीं है ये अल्फा बड़ा, नहीं कितने बकरे मैंने हटाया हो ना यहाँ से, ओके काफ़ी को ये साइड बांधा हुआ एग्रेसिव से हो, दो दो चार पाँच छः, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 40 बकरे हैं, 35 बकरे, 35 बकरे अप्रॉक्सीमेटली, एक साल अगर 35 बकरों को रखोगे तो इनकम क्या होगा फाद भाई, अगर अगर सबने पलाई टाइम पे दिए तो, और पलाई में से पैसा आपको आया तो, तो मेरा पैसा ही नहीं आया तो 1,90,000 भी प्रॉफिट नहीं होता है फाद भाई, तो कौन सा बिजनेस चालू था यहाँ, मैं वही सोचता हूँ कभी कभी, आपको नहीं आ रही थी ना तो भाई आपके लिए नहीं था, लेकिन नहीं बट नहीं ये बिजनेस करना है अपने तरीके से करो फाद भाई, मोहम्मद भाई लेकिन देखिए दोनों पक्ष रखे, यू आर अ बिजनेस मैन, आप मोहम्मद भाई लोग बोलेंगे मोहम्मद भाई बच्चे नहीं है, आप बिजनेस करते हो, आप मैं बिजनेस करता हूँ, मैं किसी और चीज का बिजनेस करता हूँ फाद भाई, बकरों के रिलेटेड नहीं, बट जब आप किसी लाइन के अंदर जाते हो ना फाद भाई, जब आप आसपास का माहौल और जो आसपास वाले जो दूसरे फार्मर्स है किस तरीके से ट्रीट करते हैं जी, यानी प्रमोशन के लिए हर चीज के लिए क्या करते हैं, तो उस पर आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे, और मैं तो बकरेबाजी मुझे किसी और ने सिखाया है। तो मोहम्मद भाई अभी भर तो गया, अभी इतना जब खर्चा आपने फाद भाई तो भर नहीं गया, मेरा ही है ना फाद भाई बकरे, क्या बात कर रहे हो, ये 50% मेरे है, तो फायदा क्या हुआ फिर अल्फा बना के, तो वही सोचता हूँ ना मैं फायदा क्या हुआ, खुद ही के बकरे पालना है तो मैं यही चीज समझाता था हर चीज में कि फायदा क्या है, तो जो फार्म भरे मोस्टली आप ही से खरीदवा के फार्म भरा गया था, हाँ तो लेकिन अगर पूरे बकरे भी पलाई पे आते तो ईयरली मिल रहा है इतना इनकम था फाद भाई, 30 बकरों में 25 बकरों में फाद भाई, और इनिशियली तो आते हैं नहीं कुछ सालों तक के, तो भूल ही जाओ हाँ भूल ही जाओ, बाय द वे ये वो बहुत चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत है पार्टियां देने का, दिस इज आवर मिल्खा,
मिल्का नहीं, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, हाँ तो सोल्ड हो चुका, हाँ सोल्ड हो चुका था किसी और फार्म को, वहीं चला गया था. दिस वाज आल्सो इन द शो ना, हाँ वो था गुलफाम, गुलफाम, गुलफाम है माशाल्लाह. कुछ बेचना है ये बाड़े में अल्फा आपके पास? ये तो अभी निकाला हो ना सानियन, ये वो ओके. और वो जो कोने में मेंढे है वो तो मेरे सब शौक के फाद भाई, शौक के कस्टमर के लिए, मेरे शौक के लिए. शौक बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है आपका खुद का? हाँ मेरा भी हो रहा है. हम दो तीन धुर लोग हैं यहाँ पे, हाँ सीरियसली हम लोग धुर ही है, मैं, हिशाम, हमजा. देखिए सब सबक सीखते हैं एंड गुड यू लर्न इन वन एंड हाफ. सिखाने वाले आजकल बहुत हार्ड मिलते हैं फाद भाई, इसीलिए बोलते ना वो क्या, वो क्राइम पेट्रोल में वक्त रहते हैं क्या वो डायलॉग फाद भाई, सतर पीछे हट जाइए. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ तो हट जाइए भाई, नज़र हटी दुर्घटना घटी बोलती है पब्लिक. ये देखो कभी कभी तो नजर रह के भी दुर्घटना हो जाती है फाद भाई. आसिफ भाई ना, क्या नाम बताया आपने? शोएब भाई, शोएब भाई. अरे भाई सबको मारता है वो, खुला रहता है. हाँ नहीं अभी बांध देंगे उसको. ओके तो फाद भाई कौन हैंडल, आप हैंडल कर? हाँ ये मुश्ताक, ये मुश्ताक का बाड़ा, अल्फा नाम चेंज कर दिया फाद भाई. तो अभी अल्फा में जगह है यहाँ पे, काफी जगह है, थोड़ा सा सही करना है उसको. इसमें क्या आप चेंजेस क्या लाना चाहोगे? इसमें केजेस बनाना नहीं, ये पूरा मैं नहीं खूटा नहीं, खूटा हटा दूंगा फाद भाई. तो खूटा नहीं रखा. ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी आती है, केजेस की आती है? केजेस की आती है फाद भाई, खूटे में मैंने देखा. बट आप केजेस बनाओगे और खर्चा डालोगे? उतना खर्चा नहीं डालूंगा फाद भाई, लिमिटेड. जैसा अभी हमारे मुस्तफिज भाई के पास काफी लोखंड पड़े हुए हैं, उठा के लेके आ जाएंगे, वेल्डर अपने यहाँ मौजूद है, ठोक देगा, काम हो गया. ऐसा नहीं, पहले तो यार पूरा न्यू यार फाद भाई. हम तो वहाँ पे क्लाइंट्स के बकरे तो हम नहीं बता सकते, एक सिर्फ बुल, राइट? हाँ हाँ बुल और वो नवाब. ये खास क्यों बनाया गया था स्पेशल? क्योंकि जगह तो आपकी जा रही है ना, जहाँ पे ज्यादा बकरे पालते आप तीन ही पाल रहे हो. हाँ तो वाई? बकरे छुपाने के लिए. क्या फायदा हुआ उसका, एक साल में क्या फायदा हुआ छुपा के? कोई और ही छुप गया यार. नहीं क्या फायदा, लॉजिकली स्पीकिंग, बिजनेस वाइज ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बना हुआ मिला था. अच्छा नहीं ये मैंने नहीं बनाया, मेक सेंस, बट स्टिल कैन बी यूटिलाइज ना मोहम्मद भाई. यूटिलाइज उसको कर सकते हैं अगर स्टाफ, यानी कोई स्टाफ फैमिली वाला आया था, देन यू कैन, तो वो यहाँ रहेगा, यहाँ बकरे देखेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई जब बनी हुई जगह मिल रही है तो यूज एंड. ठीक है, मेक सेंस. तो ये था एमडी गोट फार्म, देयर स्टिल लॉट टू कवर. एक एक बकरे बाहर निकाले तो नहीं नहीं लग जाएगा हमें. हाँ काफी टाइम लग जाएगा, बहुत बकरे हैं माशाल्लाह. और मैं गुजारिश करूंगा अच्छी क्वालिटी के बकरे भेजे पलाई पे. यस, तो मजा भी आएगी हमें शो वो करने, एंड इट विल बी फन. ठीक है, वंस अगेन मोहम्मद भाई, नंबर आपका क्या लालू भाई जो उसकी? 9082404126. ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम.